मुझे मिला है देखो 1 घंटा 20 मिनट में 627 रुपया। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखो 1209 रुपया इसमें टोटल बिल हुआ है कस्टमर का, कैश पेमेंट था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। और सुबह के बज रहे हैं 7:15। मैं काफ़ी जल्दी निकल गया, टाइम से निकल गया। कल मैं ऐसा ही प्लान बनाया था कि सुबह में मैं जल्दी निकलूँगा, वो हिसाब से मैं ऑन टाइम पे हूँ। बट अभी तक कोई बुकिंग नहीं है, मैं ऑलरेडी चालू कर दिया हूँ, ओला उबेर दोनों को ऑन कर दिया हूँ। और सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये नवंबर का महीना चल रहा है और क्लाइमेट इतना बेहतरीन लग रहा है, हल्की हल्की ठंडी लग रही है। अगर क्लाइमेट ऐसी हमेशा रहे तो कितना मस्त है, लेकिन हमारे देश में तो हर 3-4 टाइप के मौसम है, ठंडी गर्मी बारिश, तो वो 3 टाइप का है। सो बेस्ट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुबह निकल के। नहीं तो कभी कभी मैं दोपहर को 12-1 कभी 2 भी बज जाता है। कल मैंने 2 बजे के बाद गाड़ी निकाला था, आप लोगों को पता ही है, उसके पहले मैंने शाम में 5 बजे निकाला था, तो वो हिसाब से मैं तो बहुत ही जल्दी हूँ। सुबह 5 बजे ही उठ गया था, फिर निकालते निकालते 7 बज गया है, अभी ऑन तो कर दिया हूँ। देखते हैं अगर ये कल्याण या पनवेल साइड में बुकिंग आ जाती है, वहाँ से फिर अच्छी बुकिंग आने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि ऑफिस टाइम हो जाएगा। उतनी ज़्यादा ऑफिस वगैरह नहीं चालू है, लेकिन फिर भी चालू रहेगी प्राइवेट, मिल जाएगा ठीक ठाक बुकिंग। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो तरफ की बुकिंग आना चाहिए, अगर आएगी तो फिर चांस है, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट है। सो गाइज, वहाँ से बुकिंग तो नहीं आई, लेकिन मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर, वहाँ से मैंने सुना है कि बुकिंग वगैरह बहुत अच्छी लगती है, देखते हैं क्या होता है। और वहाँ सुबह में ना रोज़ एक ट्रेन आती है वंदे भारत, जो यहाँ से मुंबई से स्टार्ट होके अलग अलग जगह पर जाती है। सो इसके लिए मैं वो लोकेशन पे जा रहा हूँ, सुबह 8 बजे आती है। अभी मेरे पास 15 मिनट है वहाँ पहुँचने के लिए, और मैं हूँ फ्री वे पे। ये फ्री वे मतलब इस पर ब्रिज है, बहुत लंबी ब्रिज है, इस पर सिग्नल वगैरह बिल्कुल नहीं है, डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे स्टेशन के पास में। देखते हैं आज मेरा पहला दिन है, क्या एक्सपीरियंस रहता है, मिलती है कि नहीं मिलती है बुकिंग 8 बजे की, मैंने तो सुना है, अभी देखते हैं। 15 मिनट है टाइम है, मैं पहुँच जाऊँगा टाइम पर। और ये देखो फ्री वे का ब्रिज है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, सुबह का जो नज़ारा है देख सकते हैं, हल्का हल्का फोग है, ठंडी का थोड़ा हल्का फुल्का टाइम चल रहा है ना नवंबर में, मुंबई में तो उतना ठंडी पड़ती नहीं, दिसंबर जनवरी में हल्की फुल्की ठंडी रहती है। अभी क्लाइमेट उतना गर्म नहीं है, दिन में गर्मी होती बट सुबह शाम थोड़ा ठंडा रहता है। और ये देख लो कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, ये देखो सूरज की हल्की हल्की रोशनी आ गई है। और ये सामने जो ब्रिज दिख रही है वो अटल सेतु है, 22 किलोमीटर का फ्लाईओवर है और यहाँ से ज्वाइंट होता है, अगर मुझे जाना रहेगा तो यहाँ से जा सकता हूँ। सो अभी मुझे सीधा सीधा जाना है वीटी की तरफ, सीएसटी जिसका नाम चेंज हो गया, विक्टोरिया टर्मिनल से सी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हो गया। और ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है फ्लाईओवर भी सुबह में। सो गाइज़, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, करीब मैं आधा घंटा से इंतज़ार कर रहा हूँ। ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स है, इसके अंदर से बुकिंग आती है, यहाँ पे मेल गाड़ी सिर्फ आती है, लोकल नहीं है। तो अभी मेरा आधा घंटा हो गया है, लेकिन बुकिंग एक भी नहीं आई, आई 2-3 लेकिन सही नहीं आई है। देखो यहाँ पे आसपास में भी लोग इंतज़ार कर रहे थे, और टैक्सी है उधर, देखो कैब वाला है। ये मेन रोड है कुलाबा और गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ में जाता है। इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पर, देखता हूँ कोई बुकिंग आती है। देखो चालू है, दोनों ऐप चालू है, ये ओला है ये उबेर दोनों चालू है। सो गाइज, बहुत टाइम के बाद मेरे पास कल्याण की बुकिंग आ गई है, पैसा कुछ खास नहीं है फिर भी ठीक है, 600 कुछ रुपया दिखा रहा है। और मैं वहाँ से आ गया, देखो भिंडी बाजार के एरिया में आ गया हूँ, ये जय जय फ्लाईओवर है, और यहाँ पर अभी उतना ट्रैफिक वगैरह नहीं, सुबह की टाइम है, इसके लिए मैं यहाँ पर खड़ा था। बुकिंग आ गई है, अधव करके है, तो मैं ये बुकिंग ले लिया हूँ, कल्याण की है, ज़्यादा बेटर है। यहाँ से 6 मिनट दिखा रहा है देखो पिकअप का, चलता हूँ फटाफट पिकअप करता हूँ, नहीं तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। सो गाइज, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी कि स्टेशन से बुकिंग मिलती है, कुछ खास बुकिंग वगैरह नहीं मिलती है, मैं तो एक्सपीरियंस के लिए आ गया था, मैंने सोचा कि शायद हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। फिर अभी मेरे पास यहाँ से वहाँ से चला आया करीब 2 किलोमीटर अंदर की तरफ भिंडी बाजार की तरफ, तो यहाँ से मेरे पास एक बुकिंग आई है कल्याण की, अब वो लेके जाऊंगा कल्याण, और ज़्यादा बेटर है बुकिंग। 1 घंटा 10-20 मिनट लगेगा, क्योंकि रोड तो खाली रहेगा,
इसके लिए क्योंकि हम 40 किलोमीटर के ऊपर है, 45-46 किलोमीटर है यहाँ से, बाकी किलोमीटर जब पहुँचूंगा तो मालूम पड़ेगा कितना टोटल होता है। तो अभी चलता हूँ, पहले पिकअप करता हूँ, नहीं तो बुकिंग ये हो जाएगी कैंसल। और मेरा सिग्नल हो चुका है बंद, रोड खाली है, उतना प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं तो यहाँ पे ये जो 6 मिनट दिखा रहा है कम से कम ये दिखाता 8-9 मिनट, कभी कभी 12 मिनट भी दिखाता था डबल टाइम, लेकिन अब भी बिल्कुल रोड खाली है यहाँ पे, पूरा खाली है। ये भिंडी बाजार कभी आप लोग को बहुत ही रेयरली मतलब मिलेगा इतना खाली। सो गाइस मैं पहुँच गया हूँ कल्याण, मुझे लगा 1 घंटा 20 मिनट। ये ऑनलाइन पेमेंट थी जो कस्टमर ने पे कर दिया डायरेक्ट कंपनी में, कंपनी मेरे पास रिफंड करेगी उसको कल के डेट पे, इसको दे देता हूँ 5 स्टार, कस्टमर ठीक था। बुकिंग उतना कुछ खास नहीं थी, दूरी बहुत थी, बट मुझे आना था ये साइड में, इसके लिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ आने के बाद अभी तक कोई बुकिंग नहीं आई, मुझे मिला है देखो 1 घंटा 20 मिनट में 627 रुपया, ये देख सकते हैं आप लोग। और मेरी ये जो बुकिंग थी ये ओला में लेकर आया हूँ, और ये साउथ मुंबई भिंडी बाजार से लेकर आया, किलो टाइम तो ठीक लगा बट किलोमीटर ज़्यादा था, 1 घंटा 20 मिनट में 630 रुपया, कोई बुरा नहीं है, ठीक है, बट किलोमीटर ज़्यादा लगा। और रोड तो खाली मिल गया, 1 घंटा 20 मिनट में करीब किलोमीटर था 50 किलोमीटर के ऊपर था, तो वो हिसाब से पैसा कम है। बुकिंग आ रही है 133 रुपया, लेकिन 4 किलोमीटर के आसपास में पिकअप था इसका, इसके लिए मैंने लिया नहीं। मैंने उबेर को बंद करके रखा हूँ, इसको चालू कर लेता हूँ, क्योंकि बंद इसलिए किया क्योंकि ओला में जो बुकिंग लेकर आया था इसके लिए उसको बंद कर दिया था। अभी उबेर को चालू कर लेता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा दूर पे ये देखो डोंबेवली है, ये डोंबेवली में सर दिखा रहा थोड़ा बहुत, बाकी और कहीं नहीं है। अभी देखो मेरे पास आ रही है 2 घंटे की, लेकिन है ये देख रहे हो 534 रुपया, 2 घंटा 43-45 किलोमीटर, 2.5 घंटा से ऊपर। सो गाइज मैंने ये बुकिंग कर दिया कंप्लीट, मुझे लग गया 1 घंटा 10 मिनट, बीच में थोड़ा ट्रैफिक लग गई, और ये 780 रुपया टोटल, इसमें 47 रुपया टोल भी है, एक टोल है वहाँ पे जो बंद नहीं हुआ है तलोजा वाला। अभी देखो बुकिंग आ रही वासी की 183 में, पैसा कम है, कस्टमर ठीक था, इसको दे दिया 5 स्टार, टाइम ज़्यादा लग गया। अभी देखो एक बुकिंग आई है, अभी देखता हूँ, ये लिया मैंने फोर्ट की, लेकिन कितना दूर है वो पता नहीं है, 3 मिनट दिखा रहा है लेकिन। और ये बुकिंग में मुझे मिला है 588 रुपया। अभी देखो एक बुकिंग आ रही है भोईवाड़ा कल्याण का है, ये पैसा इसमें भी कम दिखा रहा है, टाइम ज़्यादा दिखा रहा है। उल्वे का देखो आ रहा है इसमें 100 समथिंग 200 कुछ रुपया, और ये देखो उल्वे का दे रहा है मुझे 26 मिनट 191। और एक बुकिंग इधर आई है 538 रुपया गोरेगांव, ये भी पैसा कम है। सो गाइस जो फोर्ट की बुकिंग आई थी वो कैंसिल हो गई, अभी देखता हूँ कोई अच्छी बुकिंग आई तो ही एक्सेप्ट करूँगा। और ये बुकिंग में तो थोड़ा सर दर्द हो गया, पका दिया थोड़ा, फिर भी ठीक है, आ गया हूँ यहाँ से। अब यहाँ से कोई अच्छी बुकिंग मिल जाती है, बुकिंग बहुत आ रही है लेकिन कोई ढंग की नहीं आ रही है, अगर ढंग की आ जाती है तो मैं ले लूँगा, किधर की भी रहे अच्छा पैसा देगा, टाइम सही रहेगा तो फिर ले लूँगा। अभी जो कल्याण की आई थी वहाँ पे सर्च है लेकिन पैसा कम दिखा रहा है, इसके लिए लिया नहीं। सो गाइस मेरे पास एक बुकिंग आ गई है पनवेल की, बहुत ही अच्छी है, और ये बुकिंग आई है ओला में, उबेर में पैसा बहुत कम दे रहा है आज, और उबेर में आई है 600 कुछ रुपये की बुकिंग है, बहुत ही अच्छी है, और 1 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है ये। ये देखो मेरी बुकिंग है, इसमें 5 मिनट का पिकअप है, और यहाँ से लेना है यू टर्न, चलते हैं पहले लोकेशन पे पहुँचता हूँ। सो गाइस मेरी बुकिंग ये जो कंप्लीट हो गई, चेंबूर में मैंने ड्रॉप कर दिया, इसमें ऑनलाइन पेमेंट थी उबेर की, ठीक ठाक होगा पेमेंट, अभी मैंने चेक नहीं किया, देखा नहीं, यहाँ पे ड्रॉप मार्ट का बिल्डिंग है, ये पे देखो कितना मस्त है, कितना साफ सफाई है, अंदर डी मार्ट है, उसकी पार्किंग भी है, पार्क कर सकता हूँ मैं। और यहाँ से मुझे लेना है यू टर्न, और गाइस ये थी बुकिंग, इसको दे देता हूँ 5 स्टार, ऑनलाइन पेमेंट ही। और ये देखो मुझे मिला है 312 रुपया, इसमें आधा घंटा लगा, बहुत सही है। और इधर बाजू में सीएनजी पंप है, सोच रहा हूँ मैंने सीएनजी डाल लूँ, मेरे पास एक पॉइंट बचा है, और अभी तक मैं 150 किलोमीटर चला चुका हूँ। एक भाई ने मेरे पूछा था कि कितना एवरेज मिलता है पुरानी जो टी परमिट गाड़ी रहती है वैगनार की, तो अभी तक मैं 150 किलोमीटर चला चुका हूँ,
और अभी भी कम से कम ये जाएगा, कम से कम नहीं तो 70 किलोमीटर में चला सकता हूँ अभी, क्योंकि एक पॉइंट अभी मेरे पास ग्रीन है और उसमें कम से कम 30-35 किलोमीटर चलेगी, और 25 से 30 किलोमीटर कम से कम 30 किलोमीटर समझ लो रेड पे चलेगी। ये देखो सर, देख सकते हो 149 किलोमीटर चलेगी अभी भी। हाँ, 149 किलोमीटर चल चुकी है, मतलब 150 किलोमीटर तक चल चुकी है, और मेरे पास देखो अभी भी एक लाइन है ग्रीन की, अभी इस पे 30 किलोमीटर चलेगी, उसके बाद जब रेड होगा रेड पे भी 30-35 किलोमीटर चलेगी। और ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम 200 या 210 का एवरेज मिले, डिपेंड करता है जो आप गैस लेते हैं वो गैस के क्वालिटी कैसी है, उसका प्रेशर कैसा है, वो हिसाब से। बाकी अगर अच्छा प्रेशर है, गैस अच्छा है तो 200 ये गाड़ी मेरी चल जाती है, क्योंकि ये कंडीशन में अच्छी है, इसका इंजन वगैरह सब ठीक ठाक है, वो हिसाब से ठीक ठाक। अभी वो बुकिंग आ रही है लेकिन ठीक नहीं आ रही है, तो वो हिसाब से बुकिंग अगर गैस वगैरह ठीक ठाक रहेगा तो 200 180, वैसे अगर कितना भी ख़राब रहेगा तो 170-180 किलोमीटर चल जाती है आराम से एक CNG में, अगर अच्छे से भर ले, मतलब बराबर प्रेशर वगैरह ठीक ठाक रहा तो। सो गाइस, मैंने CNG करा दिया फुल, अभी मुझे रात तक कोई टेंशन नहीं है, और मैंने इसको जीरो किया था, फिर वहाँ से CNG पंप से आया मैं जीरो करके, एक ड्रॉप था वो ड्रॉप किया मैंने 15 किलोमीटर का। मैंने ये बुकिंग BKC से लेकर आ गया हूँ, ये गोरेगांव है, और इसमें मुझे मिला है 668 रुपया, 500 कुछ रुपया समथिंग दिखाया था मुझे पेमेंट को। इसको स्टॉप करते हैं फिर मालूम पड़ेगा। इसमें देखो उबेर में बुकिंग आ रही है 574 फोर्ट, ले लेता हूँ इसको, और ये मैंने ले लिया 28 किलोमीटर 1.25 घंटा, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट करता हूँ, मैं उबेर में वो बुकिंग लिया हूँ, इसको कंप्लीट करके देखते हैं। और गाइस, मुझे मिला है 551 रुपया, इसमें मुझे लग गया 1 घंटा 10 मिनट, ठीक है। फिर भी अभी यहाँ से बुकिंग आई है फोर्ट की 28 किलोमीटर, जिसमें 500 कुछ रुपये दिखा रहा है उबेर में, ये देखो है उबेर का टैमनोय, मालूम नहीं कैसे कैसे नाम है। इसको चलता हूँ पिकअप पॉइंट पे, कितना मिनट दिखा रहा है पिकअप का, 9 मिनट दिखा रहा है, माय गॉड। फिर भी जाऊँगा, देखता हूँ। सो गाइज, 1 घंटा दिखा रहा है, बेटर है, ठीक है, कोई ज़्यादा बुरा नहीं। 1 घंटा 17 मिनट दिखा रहा है, 574, मतलब उसमें 550 रुपये के आसपास इसमें भी मिलेगा, टाइम सेम है, बट इसमें किलोमीटर कम था और इसमें किलोमीटर ज़्यादा है, उसमें 15 किलोमीटर था, इसमें 28 किलोमीटर, डबल किलोमीटर है। लेकिन अभी यहाँ से जाने के लिए वैसी बुकिंग मिलेगी, और सेम नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने सर्च में बुकिंग लेकर आया उधर से, और अभी इधर से जाने के लिए फोर्ड में मिलेगा, और मुझे वही साइड की बुकिंग चाहिए थी, मैंने गो होम लगा के रखा था उबेर में, ठीक है। देखते हैं अभी पहुंचने दे, पहले 9 मिनट दिखा रहा है, काफ़ी लंबा है, कि दूरी ज़्यादा नहीं है लेकिन ट्रैफिक की वजह से इतना टाइम दिखा रहा है। एक और बुकिंग कंप्लीट कर दिया, जो उबेर में लेकर आया था गोरेगांव से साउथ मुंबई के लिए, फोर्ड के लिए, कुलाबा के लिए, और देखो इसमें 100 रुपये टोल इंक्लूड है। इसमें देखो 680 प्लस 105, 785 रुपये टोटल हुआ है, जिसमें से टोल और कमीशन टैक्स वगैरह सब माइनस होके देखते हैं कितना मिला इसमें। अभी कैलकुलेट, इसमें वही प्रॉब्लम रहता है कि कैलकुलेट तुरंत नहीं होता है। 547 रुपये, 550 रुपये के आसपास में, इसमें 1 घंटा लगा, ज़्यादा नहीं लगा, 1-2 मिनट कम ही लगा है। सो गाइज, मुझे साउथ मुंबई से बुकिंग मिल गई थी भिवंडी की, और मुझे लगा यहाँ से, वहाँ से यहाँ में आने में 1 घंटा लग गया, कस्टमर जो ना लोकेशन से पहले ही ड्रॉप, मतलब छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, और हाईवे पे ही छोड़ दिया, हाईवे टू हाईवे, और बहुत ही अच्छा था। उसमें कस्टमर का वेटिंग चार्ज 300 रुपये बढ़ गया, उसने सिर्फ 10 मिनट रुका था, 900 रुपये दिखा रहा था, और 1200 रुपया हो गया, 1209 रुपया, बहुत ही अच्छा, 1 घंटा लगा, बहुत ही अच्छा ऑपरेटर दिया। ये उबेर में बुकिंग में लेकर आया हूँ, ओला में तो कोई बुकिंग ही नहीं आ रही थी, ये उबेर में आई है, तो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ से मैं गो होम लगा दूंगा मुम्बरा, क्योंकि आज मैं घर नहीं जाने वाला हूँ,
और रुकने वाला हूँ मुम्ब्रा में। तो ये यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर के आसपास में पड़ता है मुम्ब्रा। तो यहाँ से अगर वेट करूँगा 5-10 मिनट, अगर कोई बुकिंग आई तो ठीक, नहीं तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और शायद है कि ना बुकिंग मिले तो मैं ये बुकिंग कंप्लीट तो हो ही गई है, अब दूसरी बुकिंग नहीं लूँगा। ये देखो 1209 रुपया इसमें टोटल बिल हुआ है, कस्टमर का कैश पेमेंट था, और इसमें प्रमोशन 200 रुपये उसको डिस्काउंट देने के बाद भी इतना हुआ है। अब इसको कंप्लीट करते हैं, मुझे 900 कुछ रुपया दिखा रहा था, अभी देखता हूँ मुझे कितना मिला है। अभी यहाँ पे देखते हैं, चेक करता हूँ पहले इसको, और मुझे मिला है 915 रुपया। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है, मुझे 900 कुछ रुपये दिखा रहा था, लेकिन ठीक ठाक है, वेटिंग चार्ज लग के कुछ 915 रुपये मिल गया एक घंटे में, बहुत ही अच्छा है ये। और गाइज यहाँ से मैं गो होम लगा देता हूँ ओला उबेर में दोनों में, और बाजू में सीएनजी है मेरे पास, एक पॉइंट है, और सीएनजी डाल लेता हूँ क्योंकि मुम्ब्रा में प्रॉब्लम रहेगा, तो सीएनजी डाल के फिर भी कैलकुलेशन कर लूँगा कि कितना मतलब इसमें प्रॉफिट हुआ है। बीच में मैंने डाला था सीएनजी 385 रुपये का, 385 का मैंने सीएनजी एक बार डाला था, अभी डालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कितना टोटल सीएनजी गया है। सो गाइज उबेर में बना है 1940 रुपया। और गाइज ये ओला का ऑपरेटर है जिसमें मैंने 4 ट्रिप करी है, और इसमें ऑपरेटर हुआ है 1911 रुपया। सो गाइज दोनों में बराबर बराबर ही बना है, ज़्यादा फर्क नहीं है, एक में 1940 है, एक में 1911 है, दोनों मिला के 3851, मतलब 38.5 रुपये का ऑपरेटर बना है, जिसमें मैंने एक बार सीएनजी डाला था 385 रुपये की, और अभी 450 रुपये की सीएनजी गई है, समझ लो 850 रुपये टोटल सीएनजी गई है, और 3850 रुपये में समझ लो 850 रुपये सीएनजी का निकाल लो, 3000 रुपया ऑपरेटर बन गया है। जो सुबह में मैंने 7 बजे निकाला था, उसके बाद 2 घंटा मुझे कोई बुकिंग नहीं लगी, उसके बाद मैंने 2 बजे तक चलाया, 2 बजे के बाद फिर मैं गाड़ी लेके खड़ी कर दिया, उसके बाद 5 बजे निकाला हूँ, 5 बजे से लेकर अभी बज रहे हैं 12, और 11 बजे तक ही कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद कोई बुकिंग नहीं लिया, मैं आ गया हूँ, अभी बज रहा है 12:15। तो इसमें 3000 रुपये तक ऑपरेटर बन गया, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बन जाएगा, मैंने 4000 का टारगेट लगाया था, लेकिन बुकिंग ऐसी मिल रही थी कि मुझे उम्मीद छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी हो गया अच्छा खासा, लास्ट में मेरी एक बुकिंग बहुत अच्छी मिल गई। सो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।